नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सन की पति ने पत्नी के सिर में गोली मार दी है। ढहोई थाना क्षेत्र इलाके के एक कायपुर गांव में ही अपने पति ने अपनी ही पत्नी के सिर में गोली मार दी है। घटना के संबंध में डीएसपी विधि व्यवस्था ने बताया कि महिला घर में सो रही थी, इसी दौरान उसे किसी बहाने से घर से बाहर बुलाया और पाचीडाडा गांव के पास उसके सिर में गोली मार दी। डीएसपी विधि व्यवस्था ने बताया कि पत्नी को उसके पति के द्वारा ही गोली मारी गई है। अंधेरा होने के कारण गोली मारने के बाद वहां से आसानी से अपराधी फरार हो गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही रहुई थाना पुलिस गश्ती दल के साथ गंभीर हालत में महिला को उठाकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। फिलहाल महिला की हालत अत्यंत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जख्मी हालत में महिला सोनी देवी ने गोली मारने का आरोप अपने ही पति शिव बालक यादव के ऊपर लगाया है। गश्ती टीम रोही थाना क्षेत्र में कयमपुर में गश्त करने के क्रम में ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ इस प्रकार की घटना घटी है। उसको चेक करने के लिए हमारे थाना प्रभारी स्वयं गए वहाँ पर, और रोड के किनारे महिला प्राप्त हुई और वो ब्लीडिंग हो रहा था उस कंडीशन में। उसको थाने के ही गाड़ी में लेके आया गया यहाँ पे सदर हॉस्पिटल, तो पता चला कि हाँ बुलेट लगा हुआ है। फिर यहाँ सारी प्रक्रिया पूरा करके नॉर्मल जो स्लाइन वगैरह वाला होता है उसके बाद फिर उनको पीएमसीएच के लिए रेफर। सर क्या मामला सामने आ रहा है? मामला तो अभी कुछ खास पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पति के द्वारा गोली मार दिया गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।